आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। इतना सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगा और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो हमें यहाँ पर बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहां पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को सेम टू सेम आपको यहां पर फिलअप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्कीम को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि दो स्कीम आ रही हैं। इसमें हमें PMJAY वाली स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर सर्च बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम और लोकेशन। तो हमें यहाँ पर फैमिली आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी को एंटर करनी है। अब फैमिली आईडी का नाम सुनकर के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपकी फैमिली आईडी है ये आपका राशन कार्ड नंबर ही होता है। आपका जो भी राशन कार्ड नंबर है आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके राशन कार्ड में जितने भी यूनिट जुड़े हुए होंगे सभी यूनिट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जिसके भी राशन कार्ड में 6 यूनिट हैं या फिर 6 यूनिट से अधिक हैं तो वह लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इनके राशन कार्ड में आप देख सकते हो 6 यूनिट हैं और इसमें से एक भी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है और सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड अब आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं। अब आयुष्मान कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका नेम है नेम के सामने ही आइडेंटिफाइड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जिसका भी आप लोग आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसका यहाँ पर या तो आधार नंबर सिलेक्ट करना है या तो आप लोगों को यहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसकी KYC को कंप्लीट करनी है या तो फेस ऑथेंटिकेशन और चौथा ऑप्शन है आयरिस स्कैन। आधार OTP अगर आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। फिंगरप्रिंट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए जो कि आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट करनी पड़ेगी और इसी के साथ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहां पर आधार OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको यहां पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इन्हें आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ कर देना है और इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे ही OTP आप लोग फिल करके सबमिट करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर के साइड में लिखा हुआ है eKYC और इसी के जस्ट नीचे ही आप लोगों को यहाँ पर उस व्यक्ति की कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि उसका नाम, आधार नंबर और फैमिली आईडी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की साइड में आना है और आपको यहाँ पर दोबारा से आधार OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अलाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और दोस्तों आपके आधार में जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहां पर फिलअप कर देना है। अब जैसे ही आप लोग OTP को फिलअप करेंगे इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो उस व्यक्ति की कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी और साथ ही उसके जो आधार कार्ड में फोटो लगा हुआ है वह फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर एक न्यू पिक को कैप्चर करके अपलोड करनी पड़ेगी जो कि आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोगों को लाइव फोटो को यहाँ पर खींच करके अपलोड कर देना है और फोटो को यहाँ पर कैप्चर करके अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो 95% यहाँ पर फोटो मैच हो चुका है।
इसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए मोबाइल नंबर, तो आपको यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है और आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और OTP आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। OTP को फिल करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए आपको रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी रिलेशन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर फैमिली हेड है या फिर वाइफ है, हस्बैंड है, तो यहाँ पर हमने रिलेशन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया के पिन कोड को टाइप कर देना। पिन कोड को टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर रूरल या फिर अर्बन सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको रूरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और नगरीय के लिए अर्बन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने विलेज का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। विलेज का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से देख लेना है, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। और अगर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इसके बाद आपका जो भी आयुष्मान कार्ड है वह यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अप्रूव होने में वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि उनका फ़ोटो जो है वह मैच नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों को भी फ़ोटो वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन भी आप लोग सुन लीजिए। आपको करना क्या है, आपके आधार कार्ड में पुराना फ़ोटो लगा होगा, 10 साल पुराना या फिर 5 साल पुराना, लेकिन अभी आप लोग जो फ़ोटो को कैप्चर कर रहे होंगे वह अभी का फ़ोटो होगा। तो आप लोगों को फ़ोटो मैच करने के लिए या तो आपको अपने आधार कार्ड वाले ही फ़ोटो को कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड करना है, या फिर आप लोगों को किसी भी आधार सेंटर पर जा करके अपने फ़ोटो को अपडेट करवाना पड़ेगा। और जब आपका फ़ोटो अपडेट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका जो भी आयुष्मान कार्ड है वह यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। और जो भी फ़ोटो की प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोटो कैप्चर में मैच नहीं हो रहा है, तो वह फ़ोटो भी आपका मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फ़ोटो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से आप लोगों को बिना लिस्ट में नेम के एक न्यू आयुष्मान कार्ड को अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके